दोस्तों फिल्मों में ये सर्टिफिकेशन जैसा तो आपने देखा होगा, लेकिन ये क्या है आइए मैं बताता हूँ। फिल्म पहले सेंसर बोर्ड के सदस्य देखते हैं और फिर उसे अलग अलग कैटेगरी में रखते हुए यह एक सर्टिफिकेट जारी करते हैं। इस सर्टिफिकेट के बिना फिल्म रिलीज ही नहीं हो सकती है। इसमें कई तरह की जानकारियां लिखी होती है, जैसे कि फिल्म का नाम, लंबाई या कितने घंटे की है और कितने रील की है। अगर बोर्ड को लगता है कि फिल्म के किसी आपत्तिजनक सीन को हटाना है तो इस बारे में भी लिखा होता है। सेंसर बोर्ड इस सर्टिफिकेट को UA, A और S कैटेगरी में जारी करता है। अब आइए इनका मतलब भी जान लेते हैं। अगर ओ या यू लिखा हुआ होता है वह फिल्म बच्चे से लेकर बड़े तक कोई भी देख सकता है। अगर ओ व या यू ए लिखा होता है इस फिल्म के कुछ दृश्य में हिंसा, अश्लील भाषा या यौन संबंधित सामग्री हो सकती है। इस श्रेणी की फिल्म केवल 12 साल से बड़े व्यक्ति किसी अभिभावक की उपस्थिति में ही देख सकते हैं, जैसे कि बाहुबली। अगर वो या ए लिखा हो तो वो फिल्म सिर्फ 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए है। अगर एस लिखा हो तो ऐसी फिल्में साइंटिस्ट या फिर डॉक्टर आदि के लिए बनाई हुई होती है। ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।